बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ द सेंसेस। यूनिट नंबर 2, द सेंसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा द सेंसेस। तो आज हम सेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी हैव 5 सेंसेस। हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं। दीज आर साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और वो सेंसेस क्या हैं? साइट, साइट मीन देखना, हेयरिंग मीन सुनना, स्मेल मीन सूंघना, टेस्ट मीन चखना, टच मीन छूना। ये दीज ऑल आर 5 सेंसेस। हाउ डू वी यूज़ द सेंसेस? हम सेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं? साइट, साइट मीन देखना। वी सी विद आवर आइज। हम अपनी आइज से क्या करते हैं? देखते हैं। वी कैन सी हाउ बिग और हाउ फार अवे समथिंग इज़। हम ये देख सकते हैं आइज से कि कोई भी चीज़ कैसे बिग है और कितने वो हमसे फार अवे है, यानी कि कितने हमसे दूर है। वी कैन सी कलर्स एंड शेप। और हम लोग आई से क्या करते हैं? कलर्स एंड शेप को देख सकते हैं। वी सी मोर क्लियरली व्हेन थिंग्स आर इन ब्राइट लाइट रेदर देन इन डिम लाइट। अच्छा, हम देख सकते हैं कि बहुत क्लियरली अगर कोई चीज़ ब्राइट लाइट में हो, चमकती रोशनी में हो, तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। अगर डिम लाइट में, अगर लाइट जो बिल्कुल लो है, ठीक है, तो क्या होगा? हमें कोई भी चीज़ देखने में मुश्किल पेश आएगी। नेक्स्ट इज हियरिंग। वी हेयर साउंड विद आवर ईयर्स। कोई भी आवाज़ जो होती है वो हम किसके ज़रिए सुनते हैं? ईयर के ज़रिए। ईयर्स क्या होते हैं? हमारे कान होते हैं। वी कैन हेयर पीपल स्पीकिंग। जब लोग बोल रहे होते हैं तो हम लोग ईयर से सुनते हैं। वी कैन हेयर लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। हम ईयर से लाउड साउंड मीन ऊंची आवाज़, सॉफ्ट साउंड यानी कि धीमी हल्की आवाज़ को सुनते हैं। वी कैन हेयर साउंड्स डेट आर नियर अस एंड सम डेट आर फार अवे। हम ईयर के ज़रिए जो साउंड्स जो होती हैं, जो हमारे करीब होती है, या जो साउंड्स दूर होती हैं, वो हम ईयर के ज़रिए सुन सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मेल। स्मेल मीन सूंघना। लाइक ये जो बॉय है, ये रोज़ को स्मेल कर रहा है, लेकिन किस ऑर्गन के ज़रिए? नोज़ के ज़रिए। वी स्मेल विद आवर नोज़। हम स्मेल किससे करते हैं? अपने नोज़ से करते हैं। नोज़ मीन नाक। समथिंग स्मेल प्लीजेंट, अदर स्मेल बैड और अनप्लीजेंट। कुछ जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट होती है, बहुत खुशगवार होती है अगर हम उसको सूंघते हैं। लाइक रोज़, तो रोज़ की जो स्मेल होती है बहुत प्लीजेंट होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ जो स्मेल्स होती हैं वो बहुत बैड होती हैं, अनप्लीजेंट होती हैं, जो कि हमें अच्छी नहीं लगती हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट। लाइक ये जो बॉय है, ये क्या कर रहा है? फूड को टेस्ट कर रहा है। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। हम टेस्ट किसके ज़रिए करते हैं? टंग के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए करते हैं। वी कैन टेस्ट स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी फूड्स। हम टेस्ट कर सकते हैं कौन, जैसे कौन कौन से फूड होते हैं? स्वीट फूड होता है, सोर फूड है। स्वीट मीन जैसे कोई मिठाई वगैरह, मीठी चीज़ होती हैं, तो वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। सोर, सोर मीन कोई चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं खट्टी होती हैं, ठीक है, लाइक ऑरेंज होता है, तो उसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। बिटर, कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत कड़वी होती हैं। सॉल्टी फूड, कुछ जो फूड होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं, तो हम टंग से उनको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ टच। लाइक ये जो गर्ल है, ये क्या कर रही है? कैट को टच कर रही है। टच मीन छूना। वी कैन टच एंड फील विद द स्किन ऑन आवर बॉडी। हम क्या करते हैं कि टच कर सकते हैं
हम अपनी बॉडी की स्किन से टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। फील कहते हैं महसूस कर सकते हैं, टच मीन छू सकते हैं। वी कैन फील इफ समथिंग इज हार्ड और सॉफ्ट। हम फील कर सकते हैं अगर कोई चीज़ जो है हार्ड है, सख्त है या फिर सॉफ्ट है। सॉफ्ट मीन नरम है, शार्प, रफ और स्मूथ। यानी कुछ चीज़ें क्या होती है, शार्प होती है, नुकीली होती हैं। तो कुछ चीज़ें जो क्या होती हैं वो शार्प होती हैं, कुछ रफ़ होती हैं और कुछ स्मूथ होती हैं। शार्प मीन नोकीली होती हैं, रफ़ होती हैं, स्मूथ। तो हम इनको टच करते हैं तो हमें फील होता है। हॉट, वार्म और कोल्ड। अब देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हॉट होती हैं, लेकिन जब हम उसको टच करते हैं तभी हमें फील होता है ये हॉट है, गर्म है, वार्म है या फिर कोल्ड है। कोल्ड मीन ठंडी है। आवर सेंसेस टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। अभी जो हमने स्टडी की है 5 senses, इन senses के ज़रिए पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। दे हेल्प अस टू enjoy लाइफ। और ये हमें जो हमारे 5 senses हैं, ये हमें अपनी लाइफ को enjoy करने में हेल्प करते हैं। दे कैन also सेव अस फ्रॉम डेंजर। और जो हमारे 5 senses होते हैं वो हमें डेंजर से, मीन ख़तरे से सेव करते हैं, बचाते हैं।